लेके आया नई वीडियो। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्स एंड अपग्रेड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया एक नई अनबॉक्सिंग जो कि है मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो चलिए करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग, आपको बताते हैं वो प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने ऑर्डर किया था येलो फिंस का एक मोबाइल होल्डर, जो कि मैंने पहले भी एक ऑर्डर किया था येलो फिंस का मोबाइल होल्डर, बट वो वाटरप्रूफ नहीं था और ये फुल्ली वाटरप्रूफ है क्योंकि इसमें मोबाइल अंदर पैक हो जाती है पूरी। और जो कि ये मुझे अमेज़ॉन में 3,800 रुपीज़ का पड़ा। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको वीडियो में इसके बारे में क्या क्या है इसके फीचर्स, और इसको भी सेम उसी तरीके से इंस्टॉल करेंगे जिस तरीके से मैंने पुराना वाला येलो फिंस का मोबाइल होल्डर इंस्टॉल कराया था अपनी बाइक में। तो उसकी वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी होगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और वीडियो में ज़रूर से ज़रूर बने रहें। तो ये प्रोडक्ट मुझे आज ही रिसीव हुआ है, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और दिखाते हैं आपको वीडियो में कि ये कौन सा प्रोडक्ट मैंने मोबाइल होल्डर मंगाया है, कैसा डिज़ाइन है। तो ये है प्रोडक्ट, तो वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर माउंट जो कि येलो फिंस का है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 2-in-1 चार्जर है, 15 वाट का वायरलेस चार्ज और इसके बाद 20 वाट का USB टाइप सी चार्ज। तो ये मैंने मंगाया था मोबाइल माउंट जो कि उससे कनेक्ट होता है मिरर से, इसमें क्योंकि हैंडल से नहीं दिखाया, हैंडल बार वाला ये नहीं था, ये मिरर माउंट है। तो ये भी सेम वाटरप्रूफ है क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, ये कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है। इसके अंदर आप आराम से मोबाइल के, मैंने इसे अनबॉक्स कर लिया, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है आप देखिए, इसमें एक मोबाइल होल्डर मिल जाता है और उसके साथ एक ये मैंने माउंट मंगाया था उसके साथ मिरर माउंट। तो ये मिरर माउंट है, कुछ ऐसे लग जाएगा मिरर में आपके, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं इसमें लगाने के बाद, कुछ ऐसे लगता है ये इस तरह मिरर में, तो ये उसमें लग जाएगा। और इसके बाद दो केबल टाई दी जाती हैं और एक आपको फ्यूज़ दिया जाता है, क्योंकि एक पहले से लगा, एक इनबॉक्स हमें दूसरा दिया जाता है इसके साथ, और ये एलन की माउंट दी जाती है, एलन की दी जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और हैवी क्वालिटी का है कुछ। इसके साथ ये सेम तार वही वायर दिया जाता है जिस तरह मेरे पुराने वाले येलो फिंस के होल्डर मोबाइल होल्डर में था। और इसमें यहाँ देख सकते हैं चार्जिंग का पॉइंट भी दिया जाता है, ये देखिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है इसमें, जिसको आप देख सकते हैं। और इसको ये देखिए, मैंने इसके भी पूरा इसे अच्छे से खोला नहीं, तो यहाँ से खुलता है इस तरह, बाकी एक यहाँ से। तो ये तीन क्लिप्स लगी हैं इसकी, इन तीनों को ऐसे करेंगे इसके बाद ये ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके का। ऐसी क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में है, फुल्ली वाटरप्रूफ है और ये वायरलेस चार्जिंग का दिया जाता है। ये देखिए, जैसे फ़ोन रखेंगे तो इस तरह दब जाएगा, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और ये मत सोचिएगा आपके फ़ोन गिर सकता है, क्योंकि ये फुल्ली प्रोटेक्शन है, फुल्ली कवर रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई इसे निकाल भी नहीं सकता। इसके बाद सेम इस चीज़ ये चीज़ है, इसमें यहाँ लग जाती है इस तरह कुछ ऐसे, तो ये इस तरह कुछ हो जाता है, इसको बाकी इधर उधर आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके साथ आपको ये एक छोटी सी बटन दी जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है इनके क्वालिटी में, ये देख सकते हैं ये। और इसके साथ एक LED इंडिकेटर और बाकी आपको टाइप सी चार्जिंग का यहाँ पर दिया जाता है, 20 वॉट फास्ट चार्जिंग जो है वो इस तरह। तो ये भी वाटरप्रूफ ही है क्योंकि इसे देखिए, जब आप इस तरह करेंगे तो ये टाइप सी का पोर्ट दिखा रहा है और इसके बाद जैसे छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा, इससे कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी और फुल्ली वाटरप्रूफ इसलिए इसको कहा गया है। तो वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, बाकी आपने मेरा पहली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने वायरलेस चार्जिंग लगाया था अपने बाइक में, इंस्टॉल करवाया था, तो सेम उसी तरीके से ये भी इंस्टॉल होगा। इसमें दो वायर आपको दी जाती है, ये देखिए, रेड कलर की और ब्लैक कलर की, तो एक रेड वाली पॉजिटिव और ब्लैक वाली निगेटिव, उसी तरह सेम लगाना है। आप किल स्विच में, इंजन किल स्विच में भी लगा सकते हैं, या तो अपने की मतलब लॉक की के वो जो पॉइंट्स आते हैं तो उसमें लगा सकते हैं जैसे मैंने लगवाया था, और या तो आप डायरेक्ट को बैटरी से कनेक्शन भी दे सकते हैं। तो क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी दी गई है, अंडर प्राइस 3,700 रुपीज़ का बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके साथ हर चीज़ मुझे हर चीज़ मिल जाती है हमें, और इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा। क्योंकि एक आता है जैसे बोबो का, बट उसमें भी सेम चीज़ ही दी गई है, तो बोबो इससे महंगा भी है, इसलिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि येलो फिंस का ये वाला मोबाइल होल्डर बहुत अच्छा है अगर आपको। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें लगभग 7 इंच का आराम से फ़ोन पूरा कवर हो जाता है, उसमें फुल्ली वाटरप्रूफ की साइड से केसिंग दी गई रबड़ की, क्योंकि ये रबड़ लगी है जिससे कि ये
फिक्स अच्छे से बैठ जाएगा और जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है क्योंकि ये हैवी क्वालिटी है और एकदम ग्लॉसी फिनिशिंग में दी गई है, जिससे कि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। कोई कह नहीं सकता कि ये मतलब कोई चीप प्रोडक्ट है, कोई सस्ता, तो यही कह सकते हैं कि एक तो प्राइस भी इसकी अच्छी खासी है, कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग प्लस वायर चार्जिंग दोनों दी जाती है आपको। और इससे अच्छा प्रोडक्ट मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप वहाँ से जाके इसे बाय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको ऐसी वीडियो देखनी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कमेंट जरूर करिएगा।